इतना बारिश स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो कि हमें खड़ा रहना पड़ा। बड़े बड़े बूंदे गिरना स्टार्ट हो गई थी तो हमें साइड पे खड़ा रहना पड़ा हाईवे के बाजू में। हाईवे पे गाड़ी चला नहीं सकता, बारिश की मतलब धूप गिर रहा है, उससे बारिश गिर रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये देखो पूरा रास्ता गीला हो गया। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, केम छो, जय श्री कृष्ण, मजा मा। आज है मंगलवार एंड पप्पा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, अभी टाइम है अपने पास। ओके गांव के मंदिर में गाइस, अभी हमने गांव के मंदिर में आरती कर ली है फ्रेंड्स, एंड चलते हैं अभी फलेश्वर मंदिर में। चलो गाइस फाइनली अभी हम आ गए फलेश्वर मंदिर में फ्रेंड्स, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। एंड रमन काका भी आए हैं। चलो, ठंड नहीं है फ्रेंड्स आज, कम है ही नहीं, मतलब हवा नहीं चल रही है ना, इसके लिए रहती तो मैं डबल दिवस पहन के आता। और कहा हो भैया, ठीक बा? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रमन काका हरिओम। चलो फ्रेंड्स तैयारी करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। और भाई जैसी कृष्ण। चलो गाइस, अभी हमने फलेश्वर मंदिर में आरती कर ली है, आप दर्शन ले लो फ्रेंड्स, अभी हम चलेंगे घर पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइस फाइनली अभी जस्ट घर पे आ गए एंड मैं रेडी होता हूँ, मुझे जाना है किधर, कहाँ आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। चलिए बहुत मजा आने वाला है आज, किधर चलो। गाइस कैंप छो, फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ एंड 9 बज रहे हैं। मैं फिलहाल जा रहा हूँ डूंगरी फरिया फ्रेंड्स, जो मेरे पास में ही है। मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि है ना सूर्य अंकल ने बहुत अच्छा घर बनाया है, आपको दिखाऊंगा मैं, मतलब उधर ही हूँ, आपको दिखाता हूँ। चलो पापा भी उधर ही है, सब लोग उधर ही है, तो चलते हैं। मैं क्या इधर कर रहा हूँ, तो चलो आप भी उधर चलते हैं फ्रेंड्स। ओके मिलते हैं वहाँ पे। फाइनली गाइस हम लोग आ गए सूर्य अंकल के पुराने वाले घर पे एंड यहाँ माता जी की पूजा स्टार्ट है। पहले माता जी को स्थापन करेंगे नए घर में एंड उसके बाद नए घर की पूजा होगी। फिलहाल पूजा स्टार्ट है, आप देख सकते हो, एंड बहुत मज़ा आ रहा है हम सबको, ये मोमेंट सब बार बार नहीं आते। पापा सब लोग बैठे हैं, मस्त पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा। और हम भी इस महापूजन में आयोजित है, तो चलो अभी स्टार्ट है तो हम भी बैठते हैं फ्रेंड्स। ओके माता सपिता सपुत्रा विष्णु હવે આપણે સમજી લેવાનું કે આ શું કરતા છે, ઠીક છે ને? કોઈ પણ કા શક્તિ પહેલા તમને આચરણ કરવામાં આવે, પછી શુદ્ધોદી જલમ સમર્પયામિ, આ દળિયાવાળું પાણી થોડું છો તમારે પછી ચઢાવી દેવાનું।
विमले चले अनंत भोग शयनम विश्रातम शिनिकेतनम स्वाहा कोटि सूर्य प्रतीकाशम महायोगेश्वरेश्वरम योग निद्रा रसम शिष्टम सर्वावासम सुरेश्वरम स्वाहा जगदुत्पत्ति सर्व मंडल मंडितम स्वाहा आयु देह वैश्विश्च चक्रादि परिवर्तम गुणे ऋच्छम। सभी 2:26 हो रही है एंड पूजा को विश्राम दिया है, आप देख सकते हो। फिलहाल चलते हैं घर पे फ्रेंड्स, बाद में बात करते हैं, चलो। गाइस फिलहाल मैं आ गया था घर पे एंड मैं अभी जा रहा हूँ नरोली। आपको पता है कल मैं पूजा करने गया था, उधर थोड़ा काम है, तो चलते हैं अभी फिलहाल। अक्षय भाई को लेते हैं साथ में, निकलता हूँ फ्रेंड्स, बरोबर, चलो। गाइस फाइनली अभी चलते हैं हम नरोली, चलो चलते हैं, वहाँ मिलते हैं फ्रेंड्स। अक्षय भाई को भी ले लिए साथ में। भाई जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भाई। चलो गाइस अभी हम गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, और देखो बारिश गिर रही है हाईवे पे, बुलेट पे देखा, बुलेट पे, ये देखो बुलेट पे बारिश हो रही है फ्रेंड्स। एक साइड धूप है, एक साइड बादल है, बारिश में बीमार गिर सकते हैं फ्रेंड्स। चलो चलते हैं अभी जल्दी जल्दी। इतना बारिश स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो कि हमें खड़ा रहना पड़ा, बड़े बड़े बूंदे गिरना स्टार्ट हो गई थी, तो हमें साइड पे खड़ा रहना पड़ा हाईवे के बाजू में। हाईवे पे गाड़ी चला, बारिश की मतलब धूप गिर रहा है, उस पर बारिश गिर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ये देखो पूरा रास्ता गीला हो गया, ये देखो पूरा, बीमार करने का काम है ये सब। अभी रुकते हैं थोड़े टाइम फ्रेंड्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हे गाइस अभी हमने गांव के मंदिर में तैयारी कर दी है, सीधा व्लॉग यहां से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, आपको फलेश्वर मंदिर में बोलता हूं। फिलहाल लाइट चली गई है फ्रेंड्स, चलो। गाइस फाइनली अभी मैं फलेश्वर मंदिर में आ गया फ्रेंड्स, सीधा व्लॉग यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत टाइम ओवर हो गया था मेरा नरोली से आते हुए, तो फिर गया फ्रेश व्रेश हुआ, तुरंत निकला, फिर गांव के मंदिर में गए। मतलब पूरे एरिया में ही लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट नहीं है, क्या मेन पावर का है ना, कोई वायर कटा है और वो गिरा था, तो उसको क्या अभी रिपेयर कर रहे हैं मतलब जीबी वाले, तो क्या पूरा लाइन बंद किया है, मेन पावर है। मैं अभी देखा नहर के साइड ही हुआ है, तो इसके लिए पूरी जगह का एरिया मतलब लाइन काटा हुआ है। तो प्लस क्या मैं रेडी किया मतलब रेडी हुआ और गांव के मंदिर में निकल गया फ्रेंड्स, और अभी आपके सामने यहाँ आ गया, बरोबर। आज तो आपको पता था क्या क्या था एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो आज सुबह पूजा की है वो उधर सूर्य शंकर के पुराने घर पे जो माता जी हैं उनको नए घर में स्थापित करने का है, तो उसका पूजा स्टार्ट था। मतलब पूछते होंगे ना पूजा किस चीज़ का रहता है, तो वो चीज़ का पूजा था इसके लिए। एंड आई होप आप लोग ने आगे के वीडियो में देखा ही है किस टाइप का पूजा था, मतलब सब विधि का अलग अलग रीति रिवाज रहता है, वो आपने देखा ही होगा। फिलहाल मैं भी ज़्यादा नहीं था उधर, क्योंकि क्या मुझे भी भगम भग था, मैं गांव के मंदिर में थाल धराने भी आया था, फिर वेदिका को भी लेने गया था, तो क्या आपको जो मेन ब्लॉक का सूट था ना वही दिखाया था फ्रेंड्स इसके लिए। तो फिलहाल अभी मैं तैयारी करता हूँ, उसके बाद आपको दर्शन कराता हूँ, ओके फ्रेंड्स, चलिए। गाइस अभी हमने फलेश्वर मंदिर में आरती कर ली है, आप दर्शन ले लो फ्रेंड्स। हर हर महादेव। चलो फ्रेंड्स अभी चलते हैं गांव के मंदिर में। A few moments later. Guys, अभी हमने गांव के मंदिर में आरती कर ली है फ्रेंड्स, अब दर्शन ले लो, अभी हम चलेंगे घर पे, चलो फ्रेंड्स। गाइस फाइनली अभी जस्ट घर पे आ गया एंड यहीं वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ माता जी का पूजन था, कल पूरा सिस्टमेटिक स्टार्ट होगा, आपको दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है, बरोबर। अभी से बोलूँगा तो फिर सस्पेंस नहीं रहेगा, बरोबर, तो फिर कल ही दिखाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स।
आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर खाने के लिए, आप भी शांति से खा लेना, शांति से सो जाना, कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।